एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट सी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम सीएसआईआर नेट डिसेंबर 2019 क्वेश्चन पेपर. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इन विच एक्सरेज ऑफ 173 पिकोमीटर वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड बाय 111 प्लेन ऑफ क्यूबिक प्रिमेटिव क्रिस्टल एट थीटा 30 डिग्री. The unit cell length in picometer is closest to. यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? Here we have to determine the unit cell length. That is what A. We have to determine unit cell length. Okay. First of all, हम लोगों को यहाँ पे problem solve करना है. तो इस problem का हम लोग क्या लिख लेते हैं? पहले given things लिख लेते हैं. So here the given things are X-rays of 173 picometer wavelength. Lambda is 173 picometer. Okay, there is no need of converting this wavelength into different unit. क्यों? क्योंकि हम लोगों को यूनिट सेल लेंथ जो है वो पिकोमीटर में ही कैलकुलेट करना है. ओके, प्रॉब्लम में दिया है कैलकुलेट द यूनिट सेल लेंथ इन पिकोमीटर. ओके, तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे. देन आर रिफ्लेक्टेड बाय 111 प्लेन. यहाँ पे हम लोगों को कौन सा प्लेन दिया है? फॉर 111 प्लेन, लैम्बडा इज दिस वन ऑफ क्यूबिक प्रिमेटिव क्रिस्टल एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ पे हम लोगों को थीटा दिया हुआ है, वो है 30 डिग्री. ओके, द यूनिट सेल लेंथ इज क्लोजेस्ट टू. ओके, हियर व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट सेल लेंथ, दैट इज ए. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो यहाँ पे क्या है? फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन सॉलिड स्टेट से हम लोगों को पता है एक इक्वेशन है ब्रैग्स इक्वेशन फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, दैट इज व्हाट एन लैम्बडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला एन लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा. व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन, लैम्बडा इज द वेवलेंथ, d is the interplanar distance between the two planes and theta is the angle of refraction. Okay, so यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सी चीजें दी हुई है? यहाँ पे हम लोगों को lambda दिया हुआ है, theta दिया हुआ है और हम लोगों को a find out कर रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पे तो कोई a दिख नहीं रहा, तो d क्या है? d is the interplanar distance between the plane and that we can write as d is equal to h upon under root of d is equal to a upon under root of h square plus k square plus l square. This is what the value of d. And what is a? A is the unit cell length. तो हम लोगों को a निकालना है. h, k और l कहाँ से मिलेंगे हम लोगों को? हम लोगों को plane दिया हुआ है. This is 111 plane. This is h, this is k and this is L. From Miller indices, we can find out these parameters. So, let's put all the values. A वैसे के वैसे रहेगा. और H के L क्या है? 1 square plus 1 square. तो ये क्या हो जाएगा? A upon 1 plus 1 plus 1. Okay, इनका square क्या होता है? 1 का square is 1. So, 1 plus 1 plus 1 will be 3. So, D will be equal to what? 1 upon root 3. Okay, so let's put this value here. So what we will get? N lambda equal to 2d sin theta. Now we get the value of d, that is what? A upon root 3. Here n value हम लोगों को कहीं पे भी दिया नहीं था, तो जब भी हम लोगों को n का value दिया हुआ नहीं होता है, then we have to assume that n is equal to 1. ओके, तो यहाँ पे हम लोग n equal to 1 put करेंगे, तो n equal to 1 हो जाएगा, तो lambda we have to rearrange this equation. 1 into lambda क्या दिया हुआ है? 173 is equal to 2. D क्या है? A upon root 3. And what theta is what? Sine 30 degree. Okay? तो हम लोगों को A find out करना है. मैं equation को rearrange कर लेती हूँ. A को यही पे रखती हूँ, बाकी यहाँ पे send करती हूँ. और A ऐसे लिख लिया. ठीक है, A इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 173 इंटू ये रूट 3. ओके, और ये क्या है? अभी ये न्यूमरेटर पे थे, तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएंगे? डिनोमिनेटर पे जाएंगे, 2 इंटू साइन थीटा. ओके, सो दिस विल बी व्हाट? 173 इंटू रूट 3. व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन थीटा? इट इज व्हाट? हाफ. सो 2 इंटू 1/2. Okay, so 2 will get cancelled. Overall, what we will get? 173 into root 3.
okay, 173 into root 3. So this is what A. अब हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है. हम लोगों को चार ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं इसको सिंपली लिखूंगी. रूट थ्री का क्या होता है, रूट थ्री इज इक्वल टू वॉट, 1.73. ओके, सो वॉट आई कैन डू इज आई कैन राइट दिस एज 1.73 इंटू 100 इंटू रूट थ्री. ओके, मैं इसे इसको लिख सकती हूं. तो 1.73 क्या होता है, रूट थ्री. तो मैं यहाँ पे रूट थ्री पुट किया मैंने, ये रूट थ्री भी आ गया यहाँ पे और ये हो गया 100. ठीक है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या आ जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 100. एंड 3 इंटू 100 इज वॉट, 300. यूनिट इज वॉट, पिकोमीटर. दिस इज अवर यूनिट सेल लेंथ इन पिकोमीटर. दिस इज वॉट ए इज इक्वल टू 300. हम लोग ये भी सॉल्व कर सकते थे, 173 इंटू रूट थ्री. रूट थ्री की वैल्यू हम लोगों को पता है, वो क्या होती है, 1.73. यू शुड नो दिस वैल्यूज. ओके, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव. ओके, सो रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73, और 173 इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप लोग करते तो थोड़ा और टाइम लगता आपको आंसर निकालने में. मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और 1.73 इंटू 100 लिख लिया. और 1.73 माने क्या, रूट थ्री इंटू दिस इज अ रूट थ्री इंटू 100. एंड इन दैट वे आई हैव सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन. ये क्या था, फिजिकल बैकग्राउंड से था. थोड़ा हम लोगों को मैथमेटिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स इन द CSIR NET एग्जाम. एंड इफ यू नो द मैथ्स, ओके, मैथ्स का अगर अच्छा आप लोगों को नॉलेज रहा तो आप लोग ये इजिली सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. Here, the next question is this one, in which the rate constant for a second order reaction 2A gives Z is K2. यहाँ पे हम लोगों को एक reaction दी हुई है, इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2. Okay, if initial concentration of the reactant is A0 and the concentration of product at time t is equal to x, then the linear function of t with the slope k2a0 is. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है t versus something, उसका जो स्लोप आ रहा है वो क्या है, k2a0. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आएगी, चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से वो हम लोगों को निकालना है. हमको कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, हम लोगों को ये पता है कि दिस रिएक्शन इज वॉट, सेकेंड ऑर्डर. तो हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दी गई है यहाँ पे. ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2 है. ठीक है, जब टाइम टी इक्वल टू 0 है, एट इनिशियल कंडीशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वॉट, A0. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था हम लोगों को, A0 है. इनिशियली प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या, इनिशियली हम लोगों के पास रिएक्टेंट होगा. जब रिएक्शन होगी उसके बाद हम लोगों को कुछ कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा प्रोडक्ट का, लेकिन शुरुआत में तो सिर्फ रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, जब टाइम 0 होगा, 0. ओके, बाद में टाइम थोड़े टाइम बाद, यानी टी टाइम बाद जेड क्या फॉर्म हो रहा है, उन्होंने कहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एक्स एट टाइम टी. ओके, इतना अगर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो कितना रिएक्टेंट बचेगा, A0 - x, इतना हमारे पास रिएक्टेंट बचेगा. तो हम लोगों को पता है कि ये रिएक्शन कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. तो देर इज अ रेट कॉन्स्टेंट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज वॉट, के इज इक्वल टू 1 upon A0 इंटू टी एक्स अपॉन A0 - x. ये क्या है, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर के लिए. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको रीअरेंज कर लेती हूँ. ठीक है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, K A0 इंटू टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन A0 - x. ठीक है, तो जब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन, मैंने इसको रीअरेंज कर लिया. तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टी इंटू के ए जीरो इक्वल्स टू एक्स अपॉन A0 - x. तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स, दिस विल गो टू द y एक्सिस, दिस विल गो टू द x एक्सिस, एंड m इज ए
स्लोप ऑफ अ गिवन इक्वेशन, ओके, ऑफ अ गिवन लाइन. तो टी हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एक्स अपॉन ए जीरो माइनस एक्स. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, एंड इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन. Here, the next question is this one, in which in a polymer of n monomer units, the root mean square separation between the two ends is proportional to. यहाँ पे हम लोगों को root mean square velocity जो होती है ये किस पे proportional होगी, for n, 2n, एक polymer दिया हुआ है, okay? The separation from one end to this end, okay, this is a polymer chain. इन दोनों में का separation जो है वो from root mean square velocity कितना आएगा वो हम लोगों को पूछा है. So this is a very straightforward question. The definition for root mean square velocity is what? The number of units present in the given polymer into the monomer raised to half. So this is the relation of root mean square velocity with the number of monomers present. तो यहाँ पे directly answer क्या आ जाएगा, the relation, the root mean square velocity is directly proportional to, directly proportional to n raised to half. So this is our correct answer, n raised to half will be the correct option. Here, the next question is this one, in which the oxidation of NO to NO2 occurs by given mechanism, okay? Twice NO gives N2O2 and N2O2 reacts with O2 and gives 2NO2. What will be the rate of change of N2O2, NO2 with respect to time in presence of large excess of O2? ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, DNO2 by DT in presence of large concentration of O2, okay, in presence of large concentration of O2, we have to determine the this value. ठीक है, तो अब हम लोग ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये दो रिएक्शन हम लोगों को दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेट ऑफ NO2 by DT, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेट ऑफ NO2 by DT. तो ये इसका रेट क्या आता है, देखो हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या, जब हम लोग इसका रेट लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ऑफ DNO2 by DT, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसलिए, ठीक है. और ये कहाँ से फॉर्म हुआ है, K2 ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या है, N2O2 एंड O2, ठीक है. दिस इज वॉट रिएक्टेंट विच इज फॉर्म from the rate of change of reactant with respect to time is 1/2, because stoichiometric constant था उसका, तो यहाँ पे 1/2 हो गया. वो कैसे फॉर्म हुआ है, K2 of N2O2 O2, ठीक है. तो ये क्या करूँगी, मैं 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दूँगी, मुझे क्या मिलेगा, 2D of rate of change of NO2 with respect to time is equal to 2, यहाँ पे आ जाएगा ये K2 N2O2, ओके, एज इट इज, ओके. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. आई वांट टू फाइंड आउट दिस क्वांटिटी, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, ये N2O2 दिख रहा है, ठीक है. N2O2 क्या है, NO इज गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू N2O2, N2O2 देन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन गिविंग ट्वाइस NO2, बट दिस N2O2 इज अगेन गोइंग बैक टू NO, ओके. सो N2O2 इज ए इंटरमीडिएट हियर, ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट को स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो फ्रॉम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, फ्रॉम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आई कैन राइट डी N2O2, the rate of change of concentration of intermediate with respect to time is what? Zero. ये क्या है हमारा, steady state approximation है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका concentration, ये जो rate है ये find out करेंगे from these two reaction. और जो भी ये value आएगी उसको हम लोग, जो भी N2O2 की वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, एंड वी विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हम लोगों को कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है. तो पहले हम लोग N2O2 का रेट निकाल लेते हैं, D ऑफ N2O2
by dt. Okay, this is the intermediate. Its value should equal to zero. तो उसका rate हम लोग कैसे लिखेंगे? N2O2 is formed from this. So K1 ये क्या है? NO. ठीक है, ये क्या हो गया इसका स्क्वायर? ये क्या है? 2 है, 2 टाइम्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको? NO स्क्वायर. देन इट इज अगेन गोइंग बैक टू दैट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? K माइनस 1 N2O2. ओके, और N2O2 क्या कर रहा है यहाँ पे? N2O2 इज गिविंग दिस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस K2. ओके, प्लस K2 N2O2 एंड O2. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इट इज जीरो. तो मैं यहाँ पे वो जीरो लिख लेती हूँ. जीरो इज इक्वल टू K1. ये सारे क्वांटिटीज वैसे के वैसे हो जाएंगे. यहाँ पे जो है N2O2 क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है 2NO2 में, तो यहाँ पे भी K2 का साइन क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है. यहाँ पे भी उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था? कम हो रहा था. सो K माइनस 1 N2O2 माइनस ऑफ दिस अगेन K2 N2O2. मैंने सिर्फ ये वैसे के वैसे लिख लिए. ओके, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो लिख लिया. अब क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे? और सिंप्लीफाई, ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ पे भेजती हूँ. ये पॉजिटिव थी, यहाँ पे आके क्या होगा? निगेटिव होगा. ठीक है, K1 NO2 ये निगेटिव, और ये बाकी के टर्म्स जो थे K-1 माइनस क्या हो जाएगा? K2. ठीक है, माइनस साइन में साइड में निकलती हूँ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे मैं K2 के बाद क्या है? O2 है. ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप कर ली और N2O2 मैंने बाहर रख दिया. ओके, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है. माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन से हम लोगों को दोनों प्लस में मिल गए. ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट द वैल्यू ऑफ N2O2. तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे? इसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ N2O2. तो देयरफॉर N2O2 कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये क्या है? K1 NO स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया K-1 प्लस K2O2. समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने दो स्टेप एक्स्ट्रा कर लिए, K-1 N2O2. ठीक है, माइनस K2O2 था, माइनस K2 N2O2 O2 था, तो मैंने दोनों टर्म में से N2O2 को कॉमन निकाल लिया. ठीक है, क्या बचा? K-1, क्या बचा? K2 और O2. ठीक है, माइनस साइन को मैंने बाहर निकाला था तो माइनस माइनस. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. माइनस जब अंदर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस. ठीक है, लेकिन माइनस साइन मैंने साइड में लिया था इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस. तो N2O2 का वैल्यू हम लोगों को चाहिए था, तो K1 NO2 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया. ओके, आई गॉट द वैल्यू ऑफ N2O2. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू विच इज आस्क्ड. ठीक है, तो उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू. ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आई कैन राइट डी एन ओ टू बाय डी टी इज इक्वल टू टू के टू, टू के टू एन टू ओ टू है, एन टू ओ टू का लिखा ये है, तो हम लोग ये पुट कर लेंगे के वन एन ओ स्क्वायर. और क्या है यहाँ पे? O2 दिया है तो ये भी O2 लिख लेंगे. ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ऑल दीज वैल्यूज K-1 प्लस K2O2. ओके, हम लोगों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है प्रॉब्लम में, वो क्या है? दे हैव सेड दैट एट अ लार्जर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है. मतलब क्या? जब K-1 प्लस K2 O2 होता है और O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? द ये वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. सो द सम K2 से क्या हो जाएगा?
के माइनस वन से के टू टू की वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, के माइनस वन को निगलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस विल इक्वल टू के टू ओ टू, दिस विल कम नियर टू के टू ओ टू. तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू के टू के वन एन ओ टू एन ओ स्क्वायर ओ टू डिवाइडेड बाय, ये के वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, के माइनस वन बचा क्या के टू ओ टू, यहाँ से के टू कैंसिल हो जाएगा, ये ओ टू कैंसिल हो जाएगा. हम लोगों को क्या मिला आंसर, टू के वन एन ओ स्क्वायर, टू के वन एन ओ स्क्वायर. सो दिस इज अवर रेट, दिस इज अवर डी एन ओ टू बाय डी टी, डी एन ओ टू बाय डी टी हमारा क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये टू के वन एन ओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ओ स्क्वायर. सो इन दिस वे यू हैव टू यूज, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम लोगों को अप्लाई करना था, और अगर हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते आता है, कैसे निकालते हैं, ओके, सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इन दिस वे इज द आंसर. हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इन विच सी पी माइनस सी वी फॉर नॉन आइडियल गैस इज डिफर्स फ्रॉम सी पी माइनस सी वी ऑफ आइडियल गैस बाई द एक्सप्रेशन. यहाँ पे हम लोगों को चार एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता होना चाहिए कि सी पी माइनस सी वी फॉर आइडियल गैस क्या होता है, और सी पी माइनस सी वी फॉर नॉन आइडियल गैस क्या होता है. ठीक है, तो Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू Nr, ओके, और Cp माइनस Cv यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोगों को याद होने चाहिए. ठीक है, इट इज इक्वल टू T डैबा P बाय डैबा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इन टू डैबा V बाय डैबा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. दिस इज द इक्वेशन. अब हम लोगों को देखना है कि नॉन आइडियल और आइडियल में का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं तो वहाँ पे ऐसे वैल्यू नहीं है. यहाँ पे एक तो dp by dt है कोई ऑप्शंस में, और कोई ऑप्शन में dv by dt है, दोनों टर्म नहीं है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो फ्रॉम वन इक्वेशन, ओके, du by dv at a constant temperature is equal to T daba P by daba T at a constant V minus P. ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने लिख ली, अदर मैं इसकी वैल्यू कुछ पुट करूँगी या फिर इसकी वैल्यू कुछ पुट करूँगी. तो मुझे इसका एक इक्वेशन पता है, दिस इज डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी. रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, आई विल गेट डैबा पी बाय डैबा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, वन अपॉन टी डैबा यू बाय डैबा वी माइनस माइनस, ये इधर आ जाएगा, तब क्या होगा, प्लस पी. ठीक है, अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेती हूँ हम मेरे सी पी माइनस सी वी नॉन आइडियल इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, सी पी माइनस सी वी फॉर नॉन आइडियल इक्वल्स टू टी डैबा पी बाय डैबा टी वी. मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है, डैबा पी बाय डैबा टी वी, वो क्या है, वन बाई टी डैबा यू बाय डैबा वी प्लस, तो यहाँ पे ये टी वैसे के वैसे, अपॉन टी डैबा यू बाय डैबा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी. बचा हुआ क्या है, डैबा इन टू, ये क्या हो गया, एक बॉक्स में मैं लिख सकती हूँ ब्रैकेट में, और बचा हुआ डैबा वी बाय डैबा टी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. ठीक है, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा. मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ इसको, और इसको ब्रैकेट में ले लेती हूँ. ठीक है, तो डैबा यू बाय डैबा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन टू, ये टर्म आ गई यहाँ पे, डी वी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके, प्लस यहाँ पे मैं लिख लूँगी पी डैबा वी बाय डैबा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके, वी नो वन इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, यहाँ से मैं ये डी वी बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकती हूँ. सो हियर डी वी डैबा वी बाय डैबा टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन
P. So I can put that value here. I will get dabba U by dabba V temperature, dabba V by dabba T at constant pressure plus P into NR upon P. So the overall equation will become NR. Okay, it will become NR. Okay, मैंने directly लिख लिया. तो ये हो गई non ideal की value. Ideal की value हम लोगों को पता है. तो हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे इन दोनों में का difference. तो next value I will write down here. Cp minus Cv non ideal minus Cp minus Cv ideal is equal to Cp minus Cv non-ideal क्या है? Dabba V by dabba, sorry, dabba U by dabba V at constant temperature into dabba V by dabba T at constant pressure plus NR. This is the value for non-ideal Cp minus Cv. Ideal का value क्या है? NR. Its value is NR. हम लोगों को माइनस करना था इसलिए माइनस. दिस विल गेट कैंसल. ओवरऑल द डिफरेंस विल बिकम इक्वल टू दिस क्वांटिटी. ओवरऑल द डिफरेंस विल बिकम दिस क्वांटिटी. ऑब्जर्व ऑल द ऑप्शन एंड यू कैन से दैट दिस इज अवर करेक्ट आंसर. ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है. यहाँ पे डैबा यू बाय डैबा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डैबा वी बाय डैबा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Here, the next question is this one in which the trans 1,2-dichloroethylene molecule is given and we have asked which will be the IR in active mode. हम लोगों को चार options दिए गए हैं और हम लोगों को find out करना है कौन सा जो mode है हमारा IR inactive होगा. So, for a given molecule to be IR inactive mode हम लोगों को find out करना है. जब भी IR इनएक्टिव मोड होता है मॉलिक्यूल में क्या होता है, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल शुड बी जीरो. डाइपोल मूवमेंट उस मॉलिक्यूल में नहीं होनी चाहिए, तभी उसमें जो IR इनएक्टिव मोड होंगे तभी उसमें IR इनएक्टिव मोड होंगे. तो हम लोगों को कह दिया है यहाँ पे डाइक्लोरोइथिलीन वो क्या है, ट्रांस है. ओके, इट इज ए ट्रांस मोलिक्यूल. सो दिस इज अ ट्रांस डाइक्लोरोइथिलीन मोलिक्यूल. ओके, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इनएक्टिव मोड कौन सा होगा, IR इनएक्टिव मोड कौन सा होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को दिया है कि CCL सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी. ठीक है, वो हम लोगों को पूछा है. हम लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑप्शन है CCL सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. ठीक है, CCL सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ये हमारा मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये क्या है, ट्रांस डाइक्लोरोइथिलीन. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है. इन्वर्जन सेंटर मतलब क्या, बराबर 180 डिग्री पे यही एटम यहाँ पे प्रेजेंट है इसके. ठीक है, बराबर इसके 180 पे ये एटम प्रेजेंट है, सेम एटम यहाँ पे भी बराबर ये एटम के ये 180 पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन और इसके 180 पे ये प्रेजेंट है हाइड्रोजन. बोथ द एटम्स आर 180 टू ईच अदर. बोथ द एटम्स आर 180 टू ईच अदर. हियर द इन्वर्जन सेंटर इज प्रेजेंट. ओके, तो अब हम लोगों को पहले क्या देखना है, CCL सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखना है. तो C डबल बॉन्ड C हो गया. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब क्या, मैंने इसको यहाँ से स्ट्रेच किया और मैंने इस बॉन्ड को भी यहाँ से स्ट्रेच किया. ठीक है, दोनों से क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक स्ट्रेच करना चाहिए. ठीक है, दोनों से सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग किया. यहाँ पे आ गया Cl, ये हाइड्रोजन वैसे के वैसे रहेंगे. ठीक है, यहाँ से भी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग किया. ठीक है, ये दोनों सेम दिखने चाहिए. ठीक है, दीज आर द बॉन्ड्स. ओके, सो this will be the dipole moment for this and this will be the dipole moment for this. Even though we are doing the symmetric stretching, dipole moment change for this bond is equal to this bond. That's why for this given stretching
डाइपोल मूवमेंट चेंज इज इक्वल टू जीरो. डाइपोल मूवमेंट चेंज क्या मिल रहा है हम लोगों को? जीरो मिल रहा है. और वही हमारी कंडीशन थी आईआर इनएक्टिव मोड के लिए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर वन इज अवर करेक्ट आंसर. फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन हम लोगों को दिया है कि क्या होगा? सीसीएल असिमेट्रिक स्ट्रेच होगा. असिमेट्रिक स्ट्रेच होगा. तो देखो ये मॉलिक्यूल है हमारा, मैंने असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, यहाँ पे सिमेट्रिक किया था, वैसे ही हम लोग असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करेंगे. अब हाइड्रोजन वैसे के वैसे, एक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, सीएल, और एक बॉन्ड कम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है. इसको कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा. डाइपोल मूवमेंट इज जनरेटेड बाय सच अ वे, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दैट. और इसको भी कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा. ये डाइपोल मूवमेंट चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डाइपोल मूवमेंट चेंज. इस वजह से इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. दैट्स व्हाई दिस मोड विल बी व्हाट? आईआर एक्टिव. ये क्या होगा? आईआर एक्टिव होगा. आईआर एक्टिव. दिस इज व्हाट? आईआर इनएक्टिव. हो गया करेक्ट? हो गया आप लोगों को क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, सीएच का क्या है? असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है. सीएच असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है. वहां पे क्या होगा? ऐसे ही असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगा जिसमें कार्बन कार्बन वन हाइड्रोजन विल बी मोर स्ट्रेच्ड एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन्स विल बी सेम, ठीक है. यहाँ पे भी ये जो डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा इन दोनों के लिए वो इक्वल होगा, दैट्स वाई वो जीरो हो जाएगा. लेकिन देर विल बी सर्टन अमाउंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट चेंज हियर बिकॉज ऑफ द असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल विल ऑल्सो शो सर्टन अमाउंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट. थोड़ा फार डाइपोल मूवमेंट वो शो करेगा, थोड़ी बहुत डाइपोल मूवमेंट वो मॉलिक्यूल शो करेगा. इस वजह से वो भी क्या होगा? आईआर एक्टिव हो जाएगा. That's why this molecule will be again IR active and we wanted to find IR inactive mode. ठीक है, हम लोगों को IR inactive mode चाहिए. Fourth option दिया है in phase out of plane CCl bend. In plane out of plane CCl bend हो रहा है molecule में, मतलब क्या हो रहा है? CCl bending हो रही है इन फेज आउट ऑफ प्लेन. मॉलिक्यूल का एक क्लोरीन क्या हो रहा है? इन फेज जा रहा है और एक क्लोरीन आउट ऑफ फेज जा रहा है, ठीक है. तो एक का बॉन्ड शॉर्ट हो रहा है और एक का बॉन्ड ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से भी क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल में. और जब भी हमारे मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? हमेशा आईआर एक्टिव होता है. इट इज ऑलवेज आईआर एक्टिव व्हेन देयर इज अ एनी टाइप ऑफ चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट इज शोन इन दिस वे. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन में भी डाइपोल मूवमेंट होगा, दैट्स वाई उसमें वो भी आईआर एक्टिव होगा. थर्ड भी आईआर एक्टिव था, सेकेंड भी आईआर एक्टिव था. फर्स्ट में जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही थी सीसीएल बॉन्ड की, उस वजह से वो मॉलिक्यूल में कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं थी. डाइपोल मूवमेंट चेंज इज जीरो, दैट्स व्हाई इट इज आईआर इनएक्टिव. और हम लोगों को आईआर इनएक्टिव मोड ही यहाँ पे फाइंड आउट करना था. सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन. हियर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इन विच डीजेनरेसी ऑफ अ स्टेट हैविंग एनर्जी 27 h2 अपॉन 8 ml2 will be for a particle in 3D box. हम लोगों को यहाँ पे particle in 3D box की energy दी हुई है, वो इतनी है 27 h2 upon 8 ml2 having L as a box length. Okay? उसका degeneracy कितना आएगा वो हम लोगों को find out करना है. So energy for a 3D particle box, particle in a 3D box will be this much. Okay? We can write the energy of a particle in 3D box as nx square plus ny square plus nz square h square upon 8 ml square. okay, तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? nx square plus ny square plus nz square equals to 27.
जितने यहाँ पे हम लोगों को n के वैल्यूज मिलेंगे अलग अलग, उतनी ही क्या होगी, उस स्टेट की डीजेनरेसी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सपोज n का वैल्यू क्या है, सपोज n x n y एंड n z आर 1 1 एंड 5, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 2, 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 1 प्लस 1 इज व्हाट 27। सो हियर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 27, सो दैट इज व्हाट आस्क्ड। सो इस प्रकार से ये क्या हो गया, 3 सेट ऑफ नंबर व्हिच आर गिविंग मी 27 एज द एनर्जी, 27h² / 8mL². ये जो 3 डिजिट्स हैं, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 5 1, ओके, और एक बार 5 1 1। सो देर आर 3 वेज विथ विच आई कैन गेट द 27h² / 8mL² एनर्जी, ठीक है। तो और कोई वैल्यू है क्या जिससे हम लोगों को 27 मिल रहा है? तो हाँ, और एक वैल्यू है जहाँ पे हम लोग जब तीनों n की वैल्यू 3 लेंगे, 3² = 9, 3² = 9, 3² = 9, 9 + 9 + 9 = 27. Therefore, how many degeneracy for a given state? 1, 2, 3 and 4. There are 4 degeneracies for this given state, which is having energy 27h² / 8mL² for a particle in a 3D box with the length L. ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 4 टाइप्स ऑफ डीजेनरेसी। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, मोलर रेसिडुअल एंट्रोपी इन जूल्स पर केल्विन फॉर सॉलिड OCS विल बी। हम लोगों को यहाँ पे मोलर रेसिडुअल एंट्रोपी निकालना है। S इज इक्वल टू ln R ln W, ये है हमारा फॉर्मूला फॉर रेसिडुअल एंट्रोपी, रेसिडुअल एंट्रोपी का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है R ln W, where R is the molar gas constant and W is the number of orientations with which our molecule can be written. तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा मॉलिक्यूल दिया है, OCS दिया है। तो OCS का बॉन्डिंग हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, OCS, इट कैन बॉन्ड थ्रू S also, और वी कैन राइट इट एज OCSCO. So there are 2 types of orientations or arrangement. So यहाँ पे W के वैल्यू क्या आ जाएगा, 2. So the residual entropy will be equal to R का वैल्यू हम लोगों को क्या लेना है, जूल में कैलकुलेट करना है, तो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल इनटू ln को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग में बाय मल्टीप्लाइंग 2.303 log of W का वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख लेते 8.314 into 2.303 log 2, और 2.303 का वैल्यू हम लोगों को पता है 0.3010, ये होता है कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर का जब हम लोग हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं वहाँ पे ये वैल्यू है, उसका वैल्यू कितना आता है वहाँ पे 0.691। जब आप लोग ये मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे सिंपल करूंगी, इसको मैं 8 लिखती हूँ, इसको मैं 0.7 लिखती हूँ, 7 8s are 56, सो आई कैन राइट 5.6 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों को मॉलिक्यूल की ये क्या मिली है, रेसिडुअल एंट्रोपी मिली है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कैलकुलेशंस हम लोगों को लग सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने ओवरऑल राउंड फिगर करके आंसर निकाल लिया, दैट इज 5.6। ओके, यहाँ पे हम लोगों को रेसिडुअल एंट्रोपी पूछा था, उसका फॉर्मूला था आर एल एन डब्ल्यू, आर इज द मोलर गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए, एल एन डब्ल्यू नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल, ओसीएस कैन बी रिटन एज SCO, ये ऐसे भी बॉन्डिंग बना सकता है या फिर ऐसे भी बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई दे हैव 2 ओरिएंटेशंस और 2 अरेंजमेंट्स, एंड दिस वे वी कैन पुट दैट वैल्यू।
और ये जो वैल्यू है, ये अगर आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड का देखा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है 2.303 इंटू 0.3010 कम्स अराउंड 0.691, और इसको मैंने 0.7 लिख लिया, इसको मैंने 8 लिख लिया, हमारा आंसर आ गया 5.6. सो बाय ऑब्जर्विंग ऑल द ऑप्शन दिस इज व्हाट आवर करेक्ट आंसर. Here, the next question is, this one, a pure rotational microwave spectrum of a XY molecule, the adjacent lines are separated by 4 cm. If the molecule is irradiated by a radiation of 30,000 cm inverse, the first Stokes lines in cm inverse will appear at. तो यहाँ पे हम लोगों को चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हम लोगों को फर्स्ट स्टोक लाइन फाइंड आउट करनी है. लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन था वो पहले लिख लेते हैं. गिवन इज व्हाट फॉर प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा. ओके, द एडजेसेंट लाइन इज व्हाट 4 cm, सेपरेटेड बाय 4 cm. प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में 2B का वैल्यू क्या होता है, 4 cm होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट लाइन. तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 cm इनवर्स. हम लोगों को B का वैल्यू मिल गया. नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि जो इरेडिएशन हुआ है, म्यू एक्स का वैल्यू हम लोगों को दिया है, ठीक है, जो इरेडिएशन हुआ है मॉलिक्यूल का, रेडिएशन जो दिया है वो है 30,000 cm इनवर्स, और फर्स्ट स्टोक लाइन हमारी कहाँ पे दिखेगी, ये क्या है, रमन स्पेक्ट्रा है. यहाँ पे हम लोगों को रमन स्पेक्ट्रा कंसिडर करना है. रमन स्पेक्ट्रा कैसे होता है हम लोगों को वो देखना है यहाँ पे. तो रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, दिस इज द रमन स्पेक्ट्रा, वहां पे लाइन कैसे होते है, दिस इज द लाइन फॉर रिलीज लाइन. ओके, बाद में एक लाइन आती है, उसमें ये जो है वो फर्स्ट लाइन है, उसका जो स्पेसिंग होता है दोनों में का वो क्या होता है, सेम होता है, दैट इज 6B. ठीक है, बाद में जो लाइंस आते हैं उनका जो डिफरेंस होता है, बाद में अगर लाइन आई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, इफ सच वे द लाइंस आर देयर, ठीक है, यहाँ पे लाइन्स आ गए है, ओके, उनका डिफरेंस जो है बोथ द लाइंस में का, तो ये जो डिफरेंस आता है ना वो होता है कितना, 4B. ये भी होता है 4B और ये भी होता है 4B. सिमिलरली टू दिस साइड आल्सो द डिफरेंस इज 4B, द डिफरेंस इज 4B, द डिफरेंस इज 4B. ठीक है, ये रेली लाइंस है. ओके, लाइन है ये, दीज आर द स्टोक्स लाइंस, दीज आर द एंटी स्टोक लाइंस. ओके, अभी हम लोगों को क्या पूछा है, फर्स्ट स्टोक लाइन का रेडिएशन कितना होगा, फर्स्ट स्टोक लाइन विल अपीयर एट विच वैल्यू. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टोक लाइन यहाँ पे मिल रही है रेलीज लाइन से, उसका डिफरेंस कितना है, 6B है. ठीक है, सो हियर व्हाट इज गिवन टू अस, बी वैल्यू इज गिवन और रेलीज लाइन की वैल्यू भी दी हुई है. तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पहले फॉर फर्स्ट स्टोक लाइन, फॉर फर्स्ट स्टोक लाइन 6B is equal to 6 into 2 is equal to 12 cm inverse. Okay? अब हम लोगों को ये म्यू एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या है 30,000, उसके लेफ्ट साइड में है. ठीक है, लेफ्ट साइड में है मतलब 30,000 से कम होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, 30,000 माइनस 12 is equal to what, 29988, and this is what our correct answer, option number 1. Okay, this is our correct answer. क्योंकि वो left side में था इसलिए हम लोगों ने minus किया. अगर हम लोगों को anti stroke lines पूछे होते वो क्या है right side में है उसके, तो ये क्या होंगे, 6B add होगा. 6B add होगा मतलब हम लोगों ने 12 add किया होता. अगर हम लोगों ने 12 add किया होता तो यहाँ पे answer क्या आ जाता, 30,012.
ओके, बट यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना पड़ा क्योंकि हम लोगों को स्टोक्स लाइन का रिएक्शन, स्टोक्स लाइन का फर्स्ट स्टोक्स लाइन कहाँ पे आएगी वो देखना था, इस वजह से तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर लिया और हियर इज वेयर आवर फर्स्ट स्टोक लाइन विल ऑकर और अपियर. ओके, सो दिस इज द आंसर. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.